आदरणीय दीदी तमरा जी, मैं इनका टीवी में प्रोग्राम देखती हूँ। इनके जब इमोशंस आते हैं हम सब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आज इनको साक्षात में कई बार मिली हूँ, लेकिन आज इनको मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। और आप सभी बहनों को जो डॉक्टर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, मैं आप सबको भी शत शत नमन करती हूँ। तो अब मैंने थोड़ी सी एक छोटी सी पोएम बनाई है। सोचा था एक दिन समाज को बदल डालूंगी, सोई हुई दुनिया को अपने दम पर जगा दूंगी। मैं कोई सपने देखती हूँ जिन्हें खुद पूरा कर सकती हूँ, उतनी इच्छाएं रखती हूँ जितने अपने दम पर भर सकूं। मैंने भी जिंदगी में कई रंग देखे हैं, कहीं धूप कहीं छांव कहीं बारिशों के संग देखे हैं, पर कदम कदम पर यही पाया है। गुरुओं और किताबों ने यही समझाया है कि करना है चमत्कार तो भीतर से खुद को मजबूत बनाना है, भीतर से खुद को मजबूत बनाना है। आती जाती सांसों से उत्साह का प्रवाह लाना होगा। परिस्थितियां अनुकूल हो या ना हो, पर दृष्टिकोण अनुकूल बनाना है, पर दृष्टिकोण अनुकूल बनाना है। और इस सत्य को जीवन में अपनाना होगा। बात उन दिनों की है जब मैंने खुद को नहीं जाना था, मेरी भी कोई पहचान हो इस बात का दिल दीवाना था। दुनिया ने समझा कि ये तो नारी है, सदियों से नारी है बेचारी। मैंने कहा जब नारी में शक्ति सारी, फिर नारी जो है बेचारी, फिर नारी जो है बेचारी। मेरी सकारात्मक सोच और लगन ने डट कर मेरा साथ दिया, आत्मविश्वास बढ़ता गया और जीवन का मकसद पास रहा। पर कभी कभी जब मैं भी हताश हो जाती थी और ना उम्मीदी मिलने पर उदास हो जाती थी, तब जहां तक मेरी नजर जाती थी दुनिया को सिर्फ अपने फायदे की बात समझ आती थी। इसलिए उम्मीद शब्द को ही मैंने अपने जीवन से निकाल दिया। अपने दिल की प्रेम वाटिका में, आत्म सम्मान का बीज डाल दिया। इस बीज ने ऐसे वृक्ष का रूप पाया, अनेकों बार मुझे सम्मान दिलवाया। यहाँ भी शारदा मैडम ने मुझे लाइफ अचीवमेंट का भी अवार्ड दिया था। और मैं उनका पिछली बार तो थैंक्स नहीं कर सके, अब तो कर रही हूँ। अपने दिल के प्रेम वाटिका में आत्म सम्मान का बीज डाल दिया। इस बीज ने ऐसे वृक्ष का रूप पाया, अनेकों बार मुझे सम्मान दिलवाया। आज आधुनिक समाज ने नारी की छवि बदल डाली है, दुनिया को अपना लोहा मनवाने की इसलिए मन में ठानी है। अब तो मैं दूसरों की जिंदगी में भी उम्मीद के बीज बो देती हूँ, और खुद को अगर रोना भी पड़े तो हंसते हंसते रो देती हूँ, क्योंकि अगर करना है कुछ परिवर्तन तो कसम न खाना, बल्कि कुछ कार्य को करके दिखाना, ईश्वर जो करेगा अच्छा करेगा इसका मुझे विश्वास है। क्योंकि जब तक सांस है तब तक आस है, अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्यों नारी दिवस बस एक दिवस? नारी के नाम मनाना है हर पल हर दिन, नारी उत्तम मानव नया जमाना है।